उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बुरी हार के बाद अब समीक्षा बैठकों में भी हंगामे शुरू हो गए हैं। आज कहां हुई समीक्षा बैठक और किस तरीके का हुआ है हंगामा, हम आज ये समझेंगे। इसके अलावा अब सहयोगियों ने भी अपनी आंखें दिखाने शुरू कर दी हैं, यानी कि वो सहयोगी जो इस चुनाव में हारे हैं अब बीजेपी के नेताओं की गद्दारी की बात भी करने लगे हैं। ये भी जानेंगे, ये भी जानिए कि आज कहां चला है बाबा का बुलडोजर और किस बाहुबली और माफिया की फरार पत्नी की प्रॉपर्टी पे चला है, ये भी जानेंगे। और आखिर में नीट परीक्षा को लेकर किस तरीके से छात्रों में अब निराशा घर कर रही है और वो बीमार हो रहे हैं, ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में महज 33 सीटें जीतने के बाद अब बीजेपी के भीतर समीक्षा का दौर, यानी कि पार्टी के भीतर हार जीत के पोस्टमार्टम का दौर शुरू हो गया है। और जब पोस्टमार्टम का ये दौर शुरू हुआ तो फिर अंदाजा लगाइए कि बंद कमरों में जब समीक्षा की बात चल रही होगी तो क्या माहौल होगा। हम आपको एक लोकसभा क्षेत्र की एक तस्वीर और कुछ बातें सुनाने जा रहे हैं। ये सहारनपुर है और सहारनपुर में गोविंद नारायण शुक्ला वहां ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए, जहां पर उन्हें इस बात का पता लगाना था कि आखिर यहां बीजेपी हारी कैसे। लेकिन गोविंद नारायण शुक्ला उस बंद कमरे के हंगामे के माहौल में घुस ही नहीं सके। आलम यह था कि अंदर समीक्षा बैठक में मौजूद नेता एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप करते रहे और हंगामा होता रहा। दरअसल बीजेपी ने यहां से राघव लखनपाल को अपना उम्मीदवार बनाया था और राघव लखनपाल इस बार इमरान मसूद से चुनाव हार गए। हालांकि वो पिछली बार भी चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार उनके जीतने की बड़ी संभावना थी और बीजेपी बकायदा इस सहारनपुर सीट को अपनी जीती हुई सीट मानकर चल रही थी। लेकिन जब बीजेपी हारी तो बड़े लंबे मार्जिन से सीट हार गई और अब इस सीट पर जो समीक्षा शुरू हुई है उसमें हंगामा शुरू हो गया। दरअसल सहारनपुर की एक विधानसभा सीट है देवबंद, जहां से बृजेश सिंह जो कि योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं वो भी आते हैं। और पश्चिम में ठाकुरों के विरोध की बड़ी चर्चा रही और कहा यह गया कि ठाकुरों ने एक तरीके से बीजेपी को हराने के लिए अपनी चुटिया बांध ली है। बृजेश सिंह खुद ठाकुर बिरादरी से आते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर वो जिला है जहां पर ठाकुरों ने बड़ी पंचायत भी की थी कि किसी भी सूरत में बीजेपी को नहीं जीतने देना है। और शायद यही वो वजह रही कि सहारनपुर में इस समीक्षा बैठक में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के नेताओं ने बृजेश सिंह के कार्यकर्ताओं और उन पर आरोप लगाए कि यहाँ पर उन्होंने बीजेपी को हरवाया है, उन्होंने मदद नहीं की है। जबकि दूसरी तरफ मंत्री जी अपनी सफाई भी देते रहे और कहते रहे कि बीजेपी की हार में उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन यह हंगामा खूब चला है। आप इस तस्वीर को देखिए, यह अंदर की तस्वीरें हैं। हालांकि इस समीक्षा बैठक के भीतर न तो कैमरा अलाउड है और ना ही मोबाइल से कोई तस्वीर बनाना अलाउड है, लेकिन फिर भी यही समीक्षा बैठक जिले जिले हो रही है। गोविंद नारायण शुक्ला को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऐसी हंगामा की संभावना से इनकार किया है, लेकिन सच तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं गोविंद नारायण शुक्ला, फिर हम आपको आगे भी बताएंगे। विषय थे जो भ्रामक प्रचार प्रसार विपक्ष ने कुछ ज़्यादा किया है, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी है। आगे हम लोग उसको 2027 के पहले इन सारी कमियों को ठीक करेंगे और निश्चित रूप से आगे हम सब लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसी दिशा में बातचीत हो रही है। तो इस तरह की समीक्षा बैठकों में अब बीजेपी को ज़्यादातर जगहों पर ऐसे हंगामे का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हारे हुए तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्होंने
अपने खंजर निकाल रखे हैं। कई ने तो खुल करके आरोप लगा दिया है और कई तैयार बैठे हैं। सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा ने तो बकायदा योगी सरकार के मंत्री और बलिया के जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं उन पर सीधे सीधे हरवाने का आरोप लगाया। ज्यादातर बीजेपी के प्रत्याशियों ने, चाहे वो हारे हों या जीते हों, उन्होंने गद्दारी की बात की, आस्तीन के सांप की बात की और अब तमाम समीक्षा बैठकों में इस तरह के हंगामे आम होने वाले हैं। वैसे चुनाव खत्म होते ही चाहे निरंजन ज्योति हो या फिर साक्षी महाराज, माफ कीजिएगा, सभी ने एक सुर में कहा कि बीजेपी में के भीतर नेताओं ने गद्दारी की है, आस्तीन के सांप रहे हैं और लोगों ने हरवाया है। और ये बात बहुत हद तक पार्टी के फोरम पर आ भी चुकी है कि बहुत सारे नेताओं ने बीजेपी को ही हरवाने में अपनी पूरी ताकत लगाई है। और कुछ हद तक ये बात सच भी है जब कार्यकर्ता ये बात कहने लगे हैं। खैर, समीक्षा बैठक में क्या निकलता है इस पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि 25 तारीख तक इस समीक्षा को पूरा करके उसकी रिपोर्ट भेजनी है। लेकिन इसके बाद क्या कोई बड़ी सर्जरी होगी? क्या इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की सियासत है वो किसी तूफान के पहले की खामोशी है? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब अगली खबर, और अब हम आपको ले चल रहे हैं प्रयागराज। प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद से प्रयागराज तो शांत था, लेकिन अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर पहले भी बुलडोजर चल रहे थे और उसके मौत के बाद भी। चुनाव तक बाबा का बुलडोजर शांत था, लेकिन वो अब गरजने लगा है। लखनऊ के अंबेडकर नगर में, जो कि जिसमें कि तकरीबन 1900 मकानों पर ये बुलडोजर चला, क्योंकि वो पूरी कॉलोनी अवैध थी, कुकरैल नदी के गोद में उस पूरे इलाके को अवैध तरीके से बसाया गया था। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद 15 दिनों में पूरे उस इलाके को साफ कर दिया गया है। वो चाहे मंदिर हो, वहाँ मदरसे हो, मस्जिद हो, सभी को सरकार ने गिरा दिया। लेकिन आज हम आपको प्रयागराज की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये एक आलिशान मकान, 5 करोड़ रुपए जिसकी कीमत लगाई गई थी, इसे आज प्रयागराज अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, पीडीए ने उसे आज गिरा दिया। बुलडोजर लगाए गए और देखते ही देखते ताश के पत्ते की तरह ये एक बड़ी और भव्य इमारत गिर गई। दरअसल ये इमारत जैनब फातिमा, जी हां, अतीक अहमद के छोटे भाई की पत्नी के नाम थी, और कहा यह जा रहा था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जा करके इस पर इतनी बड़ी इमारत खड़ी की गई थी। तो आज बकायदा दूसरी बार अब बुलडोजर अब गरजना शुरू हुआ है, और अब एक बार फिर इसका मुंह जो बाहुबली हैं, माफिया हैं, उनकी तरफ मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इस तस्वीर को, कैसे एक बार फिर अब माफियाओं पर यह बुलडोजर चलने लगा है। देखिए इन तस्वीरों को, और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं कुछ वो बातें जो नीट परीक्षा के में सफल होने वाले छात्रों को कोचिंग दे रहे शिक्षक बता रहे हैं। दरअसल इस रिजल्ट के बाद से कई बच्चे निराशा में चले गए हैं, घोर निराशा में, अवसाद में जा चुके हैं, और अब उन्हें दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है। आज ऐसे ही कई कोचिंग के शिक्षकों से जब मैंने बात की तो उनका कहना है कि 620 से लेकर 650, 660 अंक लाने वाले छात्रों को भी इस बार MBBS मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में वो छात्र जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और इस बार वो इतने मार्क्स लेकर के आए थे जितने में आसानी से लखनऊ का KGMC जैसा कॉलेज मिल जाए, और इतने मार्क्स के बाद भी नीट के पेपर लीक
या नीट में हुए धांधली के बाद अब उनके लिए एडमिशन मिलना मुश्किल है। ऐसे में कई छात्र अब डॉक्टरों का रुख कर रहे हैं। सुनिए वो शिक्षक जो खुद डॉक्टर भी हैं और जिन्होंने कई डॉक्टर भी बनाए हैं, छात्रों को नीट की तैयारी भी कराते हैं, आज उन्होंने छात्रों की इस अवसाद की स्थिति को लेकर क्या कहा है, सुनिए इन शिक्षकों को। बच्चों को होप बनी रहती थी कि यार वो 610 615 नंबर पा करके क्लियर कर सकते हैं। इस बार अचानक जो हमारा कटाव वो 650 के ऊपर चला गया, जबकि इतने ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व नहीं हुए। 650 से ऊपर कटाव जाने के बाद बच्चे इतने होपलेस हो चुके हैं कि 720 में अगर 650 के ऊपर कटाव जाए और उस कटाव में भी बच्चे को मेडिकल कॉलेज MBBS का ना मिल पाए तो वो क्या करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि बहुत असंतुष्टि है, उनको लगता है ऐसे मैं कितना ही प्रिपेयर करूंगा और क्या गारंटी है कि मेरा प्रिपेयर करने के बाद भी मेरा कट ऑफ ऊपर जा पाएगा, वन थिंग। दूसरा ये कि 720 में 720 एक या दो बच्चे रहते थे और इस बार 63 बच्चे या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, तो आप बताइए 720 नंबर लेकर भी आप एम्स दिल्ली नहीं जा सकते। तो बच्चों का पूरी तरीके से मना स्थिति खराब है और उनको लग रहा है इस तरीके के पेपर करा करके या एग्जाम में बैठ करके भी हमें कोई फायदा नहीं होगा, तो तैयारी से उनका मन उचट रहा। और आखिर में एक खबर, वो VIP कल्चर को खत्म करने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कही। उनके अधिकारियों ने अब अधिकारियों के ही गाड़ियों के हूटर और हॉर्न उतार कर, लाल और नीली बत्तियां उतार कर उनका ही चालान करना शुरू कर दिया। ऐसा ही मामला आया बाराबंकी में, जहां एक प्रशिक्षु IAS की गाड़ी में एक नीली बत्ती और हूटर लगा था, जो कि जिसे कि पुलिस अधिकारियों ने और यातायात के लोगों ने रुकवा कर कि गाड़ी से वो नीली बत्ती और हूटर उतारा और बकायदा उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर डाल दिया। पता ये चला कि इस अधिकारी के पास जो गाड़ी थी या फिर उसके ऊपर जो नीली बत्ती लाल बत्ती लगी थी वो बिल्कुल नियमों के मुताबिक थी, और ऐसे में अब उन लोगों के खिलाफ ही प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी जिन्होंने हूटर और VIP कल्चर के प्रतीक इन बत्तियों को उतारने के बाद उनका वीडियो वायरल किया था। इन तस्वीरों से आपको दिखाई देगा, और ये बकायदा वो चिट्ठी है जिसमें उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। ऐसे पुलिस वाले जिन्होंने एक IAS की गाड़ी से ये नीली बत्ती और लाल बत्ती उतारे थे और हूटर उतारे थे। तो ये था आज का यूपी, हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।